सपा प्रत्याशी सैफुर रहमान उर्फ छुट्टन भाई ने किया नामांकन। मीडिया से हुए रूबरू, कहा 22 लाख युवाओं को रोजगार सहित कई मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। उनके करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक अजीम भाई के दूसरे खेमे में जाने को लेकर कहा वे उनके भाई हैं। फिरोजाबाद दबरे स्थित जिला मुख्यालय पर 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सैफुर रहमान उर्फ छुट्टन भाई नामांकन करने आए। नामांकन करने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने जनता के बीच वोट मांगने को लेकर कहा कि 22 लाख युवाओं को रोजगार, 300 यूनिट बिजली फ्री, 6000 से 18000 वृद्धावस्था पेंशन आदि मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। साथ ही जब उनसे कहा गया कि आपके कभी करीबी मित्र के रूप में जाने वाले पूर्व विधायक अजीम भाई अब बसपा खेमे में पहुंच गए हैं और उनकी पत्नी मुकाबले के लिए आपके सामने आ गए हैं, पर कहा वे उनके भाई हैं और वे दुआएं दे रहे हैं। छोटा भाई, आप एक नामांकन करने आए हैं और मुस्लिम वोट की बात करें तो फिरोजाबाद में 1,20,000 से अधिक मुस्लिम वोट है। अभी तक अजीम भाई आपके साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वह बसपा में शामिल हो चुके हैं और उनकी मिसेज प्रत्याशी हैं बसपा से। अभी हालांकि नामांकन नहीं किया और आपके बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं, अब आप कैसे देखते हैं कि कैसे चुनाव में फाइट लगेगी? अब तीन लोग मुस्लिम हो गए और भारतीय जनता पार्टी अकेला एक प्रत्याशी है, कैसे टक्कर देंगे आप? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। मैं मुस्लिम वोट की बात ही नहीं करता, ना हिंदू वोट की बात करता, मैं ऑल ओवर सब की बात कर रहा हूँ। 4,38,000 वोट पर लड़ रहा हूँ। अच्छा, जो आपका मुस्लिम वोट है या हिंदू वोट है, अजीम भाई उसको कुछ कहीं ना कहीं नुकसान कर? 4,38,000 वोट मुझको लड़ रहा है। अच्छा, अजीम भाई को लेकर क्या आपका कुछ आपके अजीम भाई मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे दुआ देंगे। अच्छा, पतंग जो AIMIM की पार्टी है वो भी चुनाव मैदान में है, कैसे देखते हैं आप उनको? क्या वो टक्कर देगी समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को कोई टक्कर देगा? समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों जीतेगी।